रिसर्च ये कहती है कि पूरे भारत में तकरीबन 50% लोगों की बॉडी में खून की कमी है। दोस्तों, क्या आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि आपके परिवार के आधे मेंबर्स की बॉडी में खून की कमी है। दोस्तों, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि खून की कमी होने से हमें कई बीमारियां होती हैं। हमारे कभी कभार बाल झड़ने लग जाते हैं, कभी हमें आलसपन रहता है, सिर दर्द होता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कई तरह की दवाइयां लेने लगते हैं, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, ये जो बीमारियां हैं, चाहे वो बाल झड़ते हो, आलसपन रहता हो, सिर में दर्द हो, माइग्रेन हो, इन सभी के पीछे का कारण आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आज की वीडियो देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको बालों के झड़ने का भी सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, वो चीज कौन सी है पहले ये जानते हैं। दोस्तों, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं उसे आप एक पैदा हुए बच्चे को भी खिला सकते हैं। एक ऐसी चीज जो एक दिन के बच्चे को खिलाई जा सकती है, तो आप सोचिए वो चीज हमारे लिए कितनी फायदेमंद होगी। दोस्तों, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो है गुड़, यानी कि जागरी। गुड़ एक ऐसी चीज है जो आपको जरूर खानी चाहिए, लेकिन आजकल हम लोग मीठे के लिए गुड़ की जगह पर चीनी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये जो सफेद चीनी है, ये बीमारियों की जननी है। हम इस चीज को समझ नहीं पाते और हमारा शरीर बीमारियों से घिरता जाता है। दोस्तों, जो चीनी है वो हमारे मुंह से ही हमें बीमारियां देना शुरू कर देती है। जैसे ही आप चीनी खाते हैं, वैसे ही आपके दांतों पर ये सबसे पहले इफेक्ट करती है। जो चीनी है वो हमारे दांतों को कमजोर करती है, दांतों को पीला करती है, दांतों में कैविटी पैदा करती है, कीड़े लगाती है और दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम पैदा करती है। इसके बाद ये चीनी हमारे लीवर को डैमेज करती है, हमारी किडनी को डैमेज करती है, हमारी इंटेस्टाइन्स को डैमेज करती है। दोस्तों, ये चीनी ही आधी बीमारियों की जड़ बन चुकी है। इसीलिए फ्रेंड्स, हम आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप सफेद चीनी खाने की जगह पर या तो शहद खाएं या फिर गुड़ खाएं। गुड़ हमारे लिए बहुत अच्छा है। गुड़ एक तरह से चीनी की रॉ फॉर्म है। गुड़ बनता तो गन्ने से ही है, लेकिन चीनी को बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए दोस्तों, आपको चीनी नहीं गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ में ढेर सारे गुण हैं। गुड़ के अंदर ढेर सारा आयरन होता है और ये आयरन हमारी बॉडी में नया खून बनाता है। गुड़ किस तरह से खाना है, चलिए पहले उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, सुबह उठकर बिना ब्रश किए सबसे पहले थोड़ा सा गुड़ खाना है और ऊपर से एक गिलास गुनगुने पानी का पीना है। ये बस आप आदत बना लीजिए कि जब भी आप उठेंगे तो उठते ही सबसे पहले मैं गुड़ खाऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा पानी पीऊंगा। ऐसा अगर आप हर रोज करते हैं तो आपकी ढेरों बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, क्योंकि गुड़ के अंदर ढेर सारा फॉस्फोरस होता है और यह फॉस्फोरस हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में फॉस्फोरस की मात्रा पूरी है तो आपको कफ जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा गुड़ में ढेर सारा आयरन होता है, ये हमारी बॉडी में नया खून बनाता है। इस तरह के दोस्तों कई फायदे हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुड़ खाकर गर्म पानी पीते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी से खून की कमी दूर होगी, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो खून की कमी है, ये हमारी बॉडी में कई रोग पैदा करती है। जैसे कि आपको अगर आलसपन रहता है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में खून की कमी है, क्योंकि हमारी बॉडी में खून का काम है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। लेकिन जब आपकी बॉडी में खून ही कम होगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, जिस कारण से आपको आलसपन रहने लगेगा और आपका काम करने का मन भी नहीं करेगा। कभी कभार दोस्तों, हमारा दिमाग जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, हमें चीजें अच्छे से याद नहीं रहती, इसके पीछे का कारण भी खून की कमी हो सकता है। कभी कभार हमारे बाल झड़ने लगते हैं। आजकल दोस्तों, पूरे भारत में ढेरों लोग झड़ते हुए बालों से परेशान हैं, और झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए हम लोग कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए कि हमारे बालों की ठीक उसी तरह जड़ें होती हैं जिस तरह के पौधे की जड़ें होती हैं। पौधे में आप कितना भी स्प्रे क्यों ना करें, पौधा तभी ग्रो करेगा जब उसकी जड़ में खाद डाली जाएगी। ठीक उसी तरह से हमारे बाल तभी ग्रो करेंगे जब हम कुछ ऐसा खाएंगे जो हमारे बालों को चाहिए। हमारे बालों को आयरन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए। दोस्तों, ये चीजें आपके बालों को चाहिए। अगर आप इन चीजों को खा रहे हैं तो आपके बाल झड़ना तो एक महीने में बंद हो जाएंगे। लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट्स में क्या बताया जाता है, ये प्रोटीन युक्त शैंपू का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, आप ही बताइए, ये प्रोटीन युक्त शैंपू आपके बालों की जड़ों में कितना ही प्रोटीन देगा। दोस्तों, हमें इस बहकावे में नहीं आना, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना। हमें प्रोटीन खाना है, हमें आयरन खाना है, बायोटीन खाना है। अगर आप इन चीजों को खा रहे हैं तभी आपके बाल झड़ना बंद होंगे।
इसीलिए दोस्तों आपको सुबह खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी से खून की कमी दूर हो और खून की कमी दूर होने से आपके बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलने लगेगा जिससे आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। गुड़ खाकर गर्म पानी पीने से आपकी स्किन के ऊपर से रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे और पिंपल्स भी खत्म होंगे क्योंकि गुड़ हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को खत्म करता है, पेट को साफ करता है जिससे आपका खून साफ होता है और आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब अगर आपके चेहरे पर ढेर सारे पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं तो गुड़ खाकर गर्म पानी पीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों हमारे पेट में जब भी कभी गड़बड़ी हो जाती है तो हमें ढेरों रोग लग जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ही हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन का कारण है हमारा गलत खान पान, लेकिन हम लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की ओर ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि शायद कब्ज तो कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आयुर्वेद यह कहता है कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज सारी बीमारियों की जननी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको ढेरों बीमारियां होंगी, इसलिए दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको कब्ज कभी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको कब्ज है तो आपको खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पीना चाहिए, इससे आपकी कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी। अब मैं आपको बताता हूं कब्ज होने से बीमारियां कैसे होती हैं। मान लीजिए आपने कुछ खाया, आपको कब्ज है तो आपके पेट में वो खाना पड़ा हुआ 2-3 दिन सड़ता रहेगा। अब वो सड़ा हुआ खाना आपके इंटेस्टाइन्स द्वारा सोख लिया जाएगा। जब आपकी इंटेस्टाइन्स उस खाने को सोखेंगी तो खाना जो गंदा हो चुका है, जिसमें फंगस लग चुकी है, जो सड़ चुका है, वो हमारे खून में मिल जाएगा। इससे आपका खून गंदा हो जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा हो जाने से आपकी हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। आपका खून गाढ़ा होने की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। यही गाढ़ा खून जब किडनी फिल्टर करने की कोशिश करेगी तो किडनी में स्टोन्स पैदा हो जाएंगे। यही गंदा खून आपके चेहरे पर पिंपल्स के रूप में बाहर निकलेगा। दोस्तों इसी तरह से ही कब्ज होने से हमें ढेरों बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन जब आप सुबह खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पिएंगे तो इससे आपका पेट एकदम स्वस्थ हो जाएगा और जो भी आपका खून में गंदगी है वो सारी बाहर निकल जाएगी और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों पुराने जमाने में लोग इसी तरह से स्वस्थ रहते थे। पुराने जमाने में लोग छोटी छोटी बीमारी के लिए दवाइयां नहीं खाते थे। उनको पता था कि बॉडी में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। उनको पता था कि गुड़ हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा पुराने लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं और हम उन्हीं की उदाहरण देते हैं कि पुराने जमाने में तो लोग बहुत ही स्वस्थ थे। दोस्तों पुराने जमाने में लोग स्वस्थ थे तो आज भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। हमें लगता है कि मार्केट में अच्छी चीजें नहीं मिलती। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या मार्केट में गुड़ नहीं मिलता? क्या मार्केट में फल नहीं मिलते? क्या मार्केट में सब्जियां नहीं मिलती? हमें खाना है तो मार्केट से पिज्जा लाकर, हमें खाना है तो मार्केट से बर्गर सैंडविच लाकर। दोस्तों जब खाएंगे ही गलत तो हम क्यों दूसरों को कोसते हैं? हमें खुद ध्यान देना चाहिए कि जो चीज हम खाते हैं क्या वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। दोस्तों बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनकी एज तो बहुत ज्यादा है लेकिन देखने में वो कम लगते हैं। जैसे कि अक्षय कुमार, जिनकी एज 50 साल से ज्यादा है लेकिन देखने में वो 50 साल के लगते ही नहीं है। कारण है कि वो सोचकर खाते हैं कि उन्हें क्या खाना है, वो अपनी इस बॉडी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। हम अपने शरीर को छोड़कर हमारे आसपास की सभी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारी बाइक को रोज धोते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं, हमारी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, और जब बॉडी की सर्विस की बात आती है तो हम ध्यान ही नहीं देते। यही कारण है कि आजकल पूरे भारत में ढेर सारी बीमारियां हैं, हर घर में ढेरों बीमारियां हैं, सभी लोग बीमार हैं। कारण है कि हमारी बॉडी में वो ताकत ही नहीं है। हम लोग खुद ही गलत खान पान करते हैं और हमारी बॉडी को बीमारियां लगाते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि किस तरह से गुड़ खाने से और गर्म पानी पीने से हम लोग अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और जिंदगी में हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें कि जो चीजें हम आपको बताते हैं आप उन्हें अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं, क्योंकि अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तभी फायदा मिलेगा। नहीं तो आप कितनी भी वीडियोस देख लो, इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होने वाला। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, ज्यादातर लोग वीडियोस देख लेते हैं उसके बाद उन चीजों को अप्लाई नहीं करते, और करते भी हैं तो 1-2 दिन। अब गुड़ की बात करें तो आपको गुड़ खाने की आदत बनानी है। ये नहीं कि 1 हफ्ता गुड़ खाया और सोचा कि मेरे झड़ते हुए बाल तो झड़ना बंद ही नहीं हुए। 1 महीना 2 महीने आप खाकर देखिए, फिर आपको फर्क नजर आएगा। दोस्तों इसी तरह की अगर वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें और वो भी स्वस्थ रह सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।